आज सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को, और ये भी कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक चुनाव जनप्रतिनिधि जो है उनके आदेशों की अवहेलना कर रहा है और सीलिंग तोड़ रहा है, और उनको निश्चित रूप से पेश होने के लिए भी कहा है 25 सितंबर। देखिए, दो ही महत्वपूर्ण सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के आलोक में सामने आते हैं। पहला तो ये कि इस तरह की नाटकीय हरकत, बचकाना हरकत माननीय सांसद महोदय क्यों कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अध्यादेश लाकर दिल्ली के 7 लाख व्यापारियों को सीलिंग का समाधान देने की बजाय अगर माननीय सांसद महोदय कुछ एक तालों को तोड़ने का नाटक कर रहे हैं तो इस नाटक के पीछे की मंशा क्या है, वो समझना ज़रूरी है। कि एक ताला तोड़ा, खोला नहीं, तोड़ा, और वो उस पर वापस उसको सील भी कर दिया गया, तो हासिल क्या हुआ माननीय तिवारी जी को थोड़ी बहुत सस्ती पब्लिसिटी के अलावा? क्योंकि व्यापारी वर्ग तो बखूबी समझ रहा है कि भाजपा का ही सांसद, भाजपा की MCD और भाजपा की ही दिल्ली की पुलिस, तो इन दोनों के बीच की नुरा कुश्ती में दिल्ली के 7-8 लाख व्यापारियों का तो भला नहीं हो रहा। अलबत्ता चुनाव के 7 महीने पहले माननीय सांसद महोदय ये ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ये यहाँ का व्यापारी वर्ग बखूबी समझ रहा है, और ये सस्ती लोकप्रियता का जो हथकंडा है ये आगामी चुनाव में माननीय सांसद महोदय को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है।